फ्रेंड्स, आज मैं वापस से आपको हार्वेस्टिंग करके दिखा रही हूँ और साथ में मैं उन जो टमाटर वगैरह की हार्वेस्टिंग करूँगी उनकी चटनी भी बनाकर बताऊँगी। तो ये देखिए, पहले तो शुरुआत करती हूँ। मेरे जो मैंने स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट लगा रखा है उसमें वापस से एक स्ट्रॉबेरी रेड हो गई है, तो ये देखिए। और ये देखिए, यहाँ पर मैं टमाटर तोड़ने जा रही हूँ क्योंकि अभी क्या है कि मेरा जो जिसमें चटनी वगैरह बनाती हूँ मैं कभी कभी, तो उसमें मैं सिलबट्टा जिसे कहते हैं, तो उसके लिए मैं ऊपर ही है वो मेरे छत के, जहाँ मेरा गार्डन है वहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं उसमें क्या करूँगी, चटनी आपको बनाकर बताऊँगी। तो ये देखिए, जो जो टमाटर मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ पहले मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि खेत से ही आप तोड़ें और चटनी बनाएं। इसमें भी एक बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप भी अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा है तो आप भी इस कार्य को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको, आपका टाइम पास भी होता है, आपका मन भी लगा रहता है और आपको खुशी मिलती है जब आप कोई चीज़ लगाते हैं। और उससे तभी मेरा जो मन था वो फल फ्रूट गार्डनिंग में, जो भी जैसे पौधे वगैरह लगाना टमाटर के, वो इसी वजह से था कि कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा तो आपको एक आपके मन में क्या इंस्पायर होते हो आप किसी चीज़ के लिए। अब आपको कुछ मिले नहीं तो थोड़ा सा मन में लगता है कि ये देखिए, ये मेरी हार्वेस्टिंग हो गई है। और चलो मैं इस स्ट्रॉबेरी की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, पहले तो इसको देख लेती हूँ। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा अभी मेरे को कच्चा लग रहा है तो मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए, और भी इसमें धीरे धीरे से, मैंने जैसे कहा था आपको एक एक कर स्ट्रॉबेरी आ रही है। और अब मैं इनको पहले धो लेती हूँ टमाटरों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अब धो लिए हैं टमाटर और आप देख सकते हैं यहीं पर मैंने क्या कर रखा है, ये मेरा सिलबट्टा है जिसमें मैं पीसूंगी। मैंने मिर्ची ले रखी है और इनको मैंने साफ़ कर धो कर रख लिया है। और ये मेरा छत है एक्चुअली, और यहीं पर मैं इसको वॉश करने के लिए ईजी रहता है तो मैं यहीं से इसको कर लेती हूँ पीसने का। और कोशिश करूँगी कि इसका यूज़ करती रहूँ क्योंकि आजकल हम लोग हो गए हैं कि ये ज़्यादातर इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। तो ये जो मैंने देखिए खेत के टमाटर तोड़े हुए, उनको मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो हमको क्या चाहिए इसके लिए, धनिया। आप धनिया नहीं हो तो टमाटर की भी चटनी बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है धनिया, मिर्ची एक कंपलसरी रहती है, हरी मिर्ची से क्या टेस्ट इन्हेंस होता है हर चटनी का। तो आपको जैसे इच्छा हो आप बना सकते हैं, आप ले सकते हैं। और सिंपल सा, जैसे मैं हमेशा सिंपल बनाती हूँ, और इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। तो ये देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें कर ली है रेडी और मैं आपको भी इसको पीसने के बाद मिलती हूँ। इसको पीस लेती हूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीस लिया है। ये मेरा एक्चुअली सिलबट्टा थोड़ा छोटा है, तो जैसे मैंने कहा था आपको कि मैंने छत पर इसीलिए रखा है क्योंकि मेरा थोड़ा ये सिलबट्टा छोटा है और इसमें बहुत सारा आसपास ऐसे ऐसे पीसने में क्या आसपास गिरता है, तो अंदर इसको मैं रख नहीं सकती हूँ और इसलिए मैंने ये सारा का सारा चीज़ें ऊपर छत में रख रखी है, जो इसको मैं वॉश अच्छी तरह से, जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं इसको वॉश कर रख दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी चटनी रेडी हो गई है। और एक मैंने थोड़ा सा इसको नमक एक और बार पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा का सारा इकट्ठा कर और एक कटोरी में मैंने नमक मिला दिया है, ये देखिए। और मैं इसको निकाल लूँगी। अब जो भी इसका ये जैसे ये रह गया है यहाँ पर, तो इसको अच्छी तरह से हम लोग पोंछ कर इसी में और अपना इसको वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरी चटनी बनकर रेडी हो गई है, ये देखिए। तो
आप भी ऐसे कर कर अपने खेत की जो भी चीज़ें आपको जो भी उसमें जैसे टमाटर ले रहे हैं और इस तरह से अपनी चीज़ों को यूज़ करिए और आपको देखना कितना अच्छा लगेगा ये चीज़ें बनाकर। तो ये देखिए, ये मेरी चटनी रेडी हो गई है। तो आप भी ऐसा कुछ करिएगा, गार्डनिंग करिए, आप इंजॉय करिए और खुश रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।